अरे गोपी सर, पिछले एग्जाम्स में मेरे वाले सब्जेक्ट में तुमने बहुत कम मार्क्स लिया है ना। हाँ सर। उसके लिए तुम्हारे डैडी ने तुम्हें डांटा नहीं? जोर जोर से डांटा है सर। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है सर। वो क्या है? उन्होंने मुझे नहीं डांटा, मुझे पढ़ाने वाले आपको। तुम सारे लड़के कम मार्क्स लिए हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? कम मार्क देने वाले आपको शर्म नहीं है तो हमें शर्म किसलिए सर? दिल खोलकर सच्चाई बता रहे हो, मेरे पाठ पढ़ाने में तुम लोग बोर हो गए, इसलिए हम कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ए, कहाँ चले आप? दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो मैं यहाँ क्यों रहूं सर? आप बात कीजिए, मैं चलता हूँ। नरेश तो एकदम सिंसियर स्टूडेंट है। तुम फिर से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो? आपने जो सैलरी दी खत्म हो गई सर। इतनी जल्दी खत्म हो गई? मतलब विनायक चतुर्थी के मौके पर हमारे मोहल्ले के गुंडे आकर जबरदस्ती पैसे छीन ले गए। मुझे आपने बुलाया? बुलाने के लिए बजाय है, जाकर दो कप चाय ले जाओ। सर, इन गुंडे मवालियों ने जीना हराम कर दिया है। उनको चंदा देने के लिए कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ता है। एक या दो, पता नहीं इनको कैसे ठिकाने लगाए। विधि, कैन यू डेयर टू डू वन थिंग? 2 लाख लोगों को इकट्ठा करके उन्हें खत्म कर दो। हाँ। अरे बाप रे, ये वाकई जीनियस है। राइट सर, इसकी बात पर अमल कीजिए आप। अभी चाय बांट रही हो, बाद में? पहले शादी, बाद में बंटवारा। ए, इसके साथ सब कुछ बांटने का हक है? तुझे नहीं है बे, मुझे है। अरे उधर देख। प्योरी, मैं तेरे साथ बिस्तर बांटना चाहता था, तू यहाँ इसके साथ चाय बांट रही है। मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, बस एक रात मेरे साथ गुजार ले, बाद में किसी के साथ तू कुछ भी बांट ले। ए नरेश, ये दोनों लवर्स हैं, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, फिर उन्हें तंग क्यों करते हो?